सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही पसंद किया जा रहा ट्रेलर, और ट्रेलर देखकर पूरी पलटन जमा है फिल्म देखने के लिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं फिल्म के बारे में? सर बहुत बड़ी बात है अगर आप लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये वो वाला मैच है जो हम जीते थे 67 में। हाँ, जो हारे थे उस मैच के बारे में हाइलाइट्स आती रहती है टीवी पर, तो आइए देखिए कि किस तरह से हम जीते थे और क्यों इस बारे में बात नहीं करी गई है, कि क्यों लोगों को नहीं बताया गया है, वो पता नहीं उसका रीज़न क्या है, किस दबाव में नहीं बताया गया, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। लेकिन ये एक एपिसोड है, एक चैप्टर है जो हिस्ट्री के पन्नों से गायब हो गया कहीं ना कहीं। और जो हमने चाइना की अगेंस्ट एक बैटल जीती थी उसके बारे में जेपी सर आपको कुछ बताना चाहते हैं और पल्टन के थ्रू बता रहे हैं। तो हर्ष ने कुछ कारण दिए, मैं भी आपको कहना चाहूँगा। मेरे लिए या ऑडियंस के लिए, दर्शकों के लिए सबसे बड़ा कारण तो ये होना चाहिए कि जेपी दत्ता साहब की फिल्म है और वो काफ़ी साल बाद वापस आ रहे। वो ऐसे फिल्म मेकर नहीं है तो फिल्में जल्दी बनाते रहते, पर समय निकालते हैं, समय के बाद एक ऐसी फिल्म लाते हैं जो अलग होगी। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण, जैसे हर्ष ने कहा, ये हमारे देश के इतिहास के बारे में है। हम कितना जानते हैं इस इंसिडेंट के बारे में, मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल नहीं जानते। तो आइए देखिए वॉट जे पी सर्स मैजिक, और हम सबको देखिए कैसे हमने कोशिश की एक जिम्मेदारी को निभाने की जो हर एक्टर को नहीं मिलती है। तो हर सवाल, जे पी सर के साथ काम करने का हर किसी का एक ख्वाब होता है और आज भी हो रहा है। किस तरह फिल्म से जुड़े, क्या कुछ उसके पीछे का प्रोसेस? सर मैं तो जंगलों में कैंपिंग कर रहा था बिना नेटवर्क के, और बाहर था तो वहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं था, तो वहाँ में भूख लगी तो थोड़ा हाईवे की तरफ आया। वहाँ पे आया तो सिग्नल मिली, सिग्नल में मैसेज था कि जेपी सर के ऑफिस पहुँचो तुरंत। तो अगले दिन मैं तुरंत आया और मुझे पता चला कि 3 घंटे में निकलना है, क्योंकि एक सर्टन एक्टर की रिप्लेसमेंट में मुझे लिया गया था। तो आखिरी के 3 घंटों मेरी कास्टिंग हुई है, तो बस ऊपर वाले की सर मेहरबानी है। और जो जिन सोल्जर का मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, मेजर हरभजन सिंह, कहीं ना कहीं उनकी उनकी जो स्पिरिट है उनका भी इसमें हाथ है, ऐसा जेपी सर का मानना है कि इस तरह से कास्टिंग होना, मतलब ये मतलब बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो पाता कई बार कि एकदम लास्ट मोमेंट कैसे मुझे। तो कहते हैं कि इन्होंने ही आपको कास्ट किया है, तो आई थैंक हिज स्पिरिट्स एंड आई थैंक माई फादर्स ब्लेसिंग्स ऑल्सो। आपके लिए तो और प्रेशर वाली भी बात है कि डेब्यू करना और जेपी सर के साथ करना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक प्रेशर भी है आपके लिए। देखिए पहली बात तो बहुत कम लोग याद भी करते या जानते हुए कि ये एक्चुअली मेरा डेब्यू नहीं है, पर टेक्निकली अगर मैं भी सोचूं तो मैं इसको मानता हूँ कि मेरा डेब्यू है, क्योंकि एक नई शुरुआत है। एक एक्टर जो अच्छे रोल को ढूंढ रहा था, काफ़ी समय से ढूंढ रहा था, जो अपने आप कोशिश करता है, उसको ऐसी फिल्म में रोल मिलना या ऐसी फिल्म में किसी के ज़िंदगी को पेश करना है, निभाना स्क्रीन पर, वो हर एक्टर को नहीं मिलता है मौका। और मैं हर जगह कहता हूँ कि मैं कभी ये जो जेपी साहब ने मेरे लिए किया है वो कभी भूल नहीं पाऊँगा, और कभी ये तो मतलब मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उनके फिल्म में हूँ। एंड आई कैन नेवर यू नो थैंक यू इनफ, क्योंकि जैसे जब मैं आया था मिलने उनसे, तो मिले मुझसे, ज़्यादा बातचीत नहीं की और सिर्फ इतना कहा कि यू नो कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट करूँगा, अंग्रेज़ी में उन्होंने कहा था, और मैं चला गया। और फिर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद मुझे यहाँ पे अपने जन्मदिन पे बुलाया और इस पिक्चर के लिए साइन किया। एंड यू नो हाँ, ये गिफ्ट ही है, मतलब कि ये जेपी सर का गिफ्ट है, ये भगवान का गिफ्ट है, या जो फौजी भाइयों जिनकी जान गई है उनका गिफ्ट है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, पर ये गिफ्ट है। एंड ये गिफ्ट मैं कभी रिटर्न गिफ्ट इसका दे ही नहीं सकता हूँ, मतलब आप वैल्यू नहीं कर सकते, वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, लव ने परफॉर्मेंस दी है बहुत अच्छी और उन्होंने अपनी जान डाली है इसमें, तो यही रिटर्न गिफ्ट है जो सोल्जर्स हैं उनकी फैमिली के लिए कि हमने अपनी ऑनेस्टी से काम किया और उम्मीद है कि उनको उनका सर ऊंचा हो जाए देखने के बाद। हर्षवर्धन, जेपी सर के साथ काम करना मतलब एक इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना, सीखना, क्या कुछ आप सीखे सेट पे और क्या कुछ माहौल था सेट का? सर मैं तो थोड़ी एक्टिंग सीख के आ गया हूँ, बाकी लव से पूछ लो। मैं सेट पे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर क्योंकि मेरे पास जेपी सर के साथ और समय था, शूट के 3 महीने पहले मैं ऑफिस आता था हर 1-2 दिन और बैठता था यहाँ पे, तो मैं समझ गया कि जेपी सर कब वो खुश हो रहे हैं और कब वो नाराज़ हो रहे हैं, और जब नाराज़ हो रहे हैं तो सीधा उसी वक्त गलती को ठीक कर दीजिए, ना तो फिर भैया समझ लीजिए मतलब कहानी कुछ और ही होने वाली है। बट यही है कि आप जब एक्टर डायरेक्टर साथ में समय बिताते हैं तो दोनों के लिए बहुत अच्छी बात होती है। एंड आई फील कि ऑल ऑफ अस, जैसे हर्ष बाद में क्या होगा, हर्ष और सब लोग आ गए तो टाइम कम हो गया,
कि फिर बाकी सब का टाइम करना हाँ बट गया टाइम एग्जैक्टली और बट यही था कि आई अंडरस्टूड कि सर की सोच क्या और कितने लर्नड और मतलब कितने लर्नड और कितने अलग है वो क्योंकि दूसरे फिल्म मेकर से एक्चुअली आज की तारीख में वो इकलौते एक ओशन है मैं कहूँगा एक पूरा पूरे समुद्र है इमोशंस के और नॉलेज के तो वो एक एक उनके हम तो कुछ बूंदें और कुछ एक चंद मिली लीटर पानी हमको मिला उसमें से लेकिन आई थिंक हिज डॉटर्स आर सो लकी टू हैविंग स्पेंड सो मच टाइम विद हिम उनके जो बाकी एक्टर्स हैं जो उनको रिपीट जिनको वो रिपीट करते हैं वो लोग कितने लकी हैं क्योंकि जेपी सर हम सारे ही आने वाले हैं उनकी अगली फिल्मों में और मुझे पूरा विश्वास है लेकिन द फैक्ट उनके साथ जितना आप टाइम बिताएंगे ना छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको इतना कुछ बताते रहेंगे जो बिगुल हम सुनते हैं आमी का जो बिगुल होता है जो लास्ट पोस्ट जिसे कहा जाता है तो वो क्यों है वो कहाँ से आया वो एक मार्टर के 17 या 18 साल का मार्टर था उसकी जेब में मिला था तो उसकी लास्ट मरने से पहले उसकी लास्ट नोट्स जो उसने बनाए थे वो था सो दैट नाउ हैज़ बिन टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द आर्मी एंड दैट इज़ प्लेड जो हम सुनते हैं तो ये छोटी छोटी कहानियाँ गूगल पे भी नहीं मिलेंगी तो वो जे पी सर के साथ खड़े रहो ना थोड़ी देर तो वो एक कहानी आ जाती है बाहर तो हम लोग यही मौका ढूंढते हैं कि कब थोड़ी और नॉलेज मिले हर्षवर्धन आपने ये भी देखा होगा आज इस तरह की फिल्मों को ऑडियंस प्यार दे रही है पहले इतना ऑडियंस इंटरेस्ट नहीं दिखते तो उसके बारे में क्या कुछ टेक है नहीं सर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ आई थिंक एवरी 10 ईयर्स ऐसा एक वक्त आता है वो एक साइकिल होता है सर हर 10 साल के बाद है ना कुछ एक लव स्टोरीज़ का एक दौर आता है अचानक फिर अचानक से एक वॉर फिल्म्स का दौर आता है और फिर अभी हमारे एक और एक्टर आ रहे हैं नमस्कार नमस्कार हाय 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 सॉरी मैं सिद्धांत थोड़े नहीं मजाक कर रहा तो एवरी 10 ईयर्स आई थिंक एक दौर आता है और उसमें एक वॉर फिल्म्स का दौर आता है फिर लव स्टोरीज का दौर आता है फिर अचानक बैंक रॉबरी पे फिल्में बनने लगती है फिर अचानक कॉमेडी का दौर आ जाता है फिर एक्शन का सो ऐसा नहीं कह सकते कि अभी हो रही हैं ये फिल्में हिट बॉर्डर तो 20 साल पहले आई थी तो वो भी हिट हुई थी तो लेकिन अभी डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन और आई थिंक पीपल हैव फाइनली टेकन नोटिस ऑफ व्हाट आर सोल्जर्स आर डूइंग एट द बॉर्डर एंड जेपी सर से बढ़िया इस बात को कोई और डिपिक्ट नहीं करते हैं इंडिया में पहले डायरेक्टर हैं जिन्होंने 3 फिल्में बनाई हैं वॉर ट्रिलॉजी कंप्लीट करी है सो वी आर जस्ट लकी टू बी ए पार्ट ऑफ दैट एक तो पहले चीज़ मुझे जो सीखने मिली वो है डिसिप्लिन और डिसिप्लिन और डिसिप्लिन एक आर्मी में जितना एक आर्मी अफसर जितना एक आर्मी जवान डिसिप्लिन होता है उतनी ही डिसिप्लिन से हम लोगों ने हमारी फिल्म की है जब हम लोग ने शॉट दिया है ऑफकोर्स मस्ती तो हो रही थी व्हेन द शॉट्स वर नॉट बीन टेकन लेकिन जे बी साहब से जब भी मैं मिला हूँ मैं एक नई चीज़ सीखे गया हूँ बी एट डिसिप्लिन बी एट अ रैंक ऑफ अ सोल्जर बी एट हाउ टू इवन से अ डायलॉग तो मतलब इतना एक्सपीरियंस जे बी साहब को है तो वो एक्सपीरियंस वो कहानियाँ जो उनकी एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम जितना सीखे हैं वो अनगिनत है क्योंकि जब मैं अभी मिल के आया अभी कुछ सीखा आया हूँ दिमाग में मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मुझे पता नहीं मैं क्या सीख के आया हूँ तो ही इज़ अ लिविंग लेजेंड ही इज़ अ लिविंग टीचर ही इज़ अ लिविंग फादर फिगर एंड ही इज़ आर मेजर जनरल ऑफ द फिल्म मैंने तो मैंड्रिन चाइनीज़ सीखी थी इस फिल्म में 50% 60% मेरे डायलॉग जो है वो है चाइनीज़ और मैंड्रिन में तो ये सीखा है सिगरेट कम पीना सीखा वर्कआउट शर्कआउट किया एक नौजवान कैसे सलाम ठोकता है कैसे खड़ा होता है कैसे चलता है हथियार कैसे पकड़ते हैं अपने स्टार्टिंग में मैं रैंक्स से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था क्योंकि ये लोग सीनियर्स हैं मेरे फिल्म में तो वो सब चीज़ें सीखे कि कैसे सीनियर्स को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं कैसे उनका जिक्र करते उनसे बात कैसे करते तो बहुत सारी चीज़ें सीखी और लद्दाख मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम गया और मेरी फेवरेट जगह हो गई वर्ल्ड में इज़ हेवन ऑन अर्थ मैं नेचर फ्रीक तो हुई बचपन से और वहाँ के टेरेन्स वहाँ का सब कुछ
देखकर दिल बौखलाया गया था, मतलब इतना मज़ा आ गया क्योंकि वो एक ऐसा व्यू सुबह उठकर माउंटेन्स, ये रोज़ नहीं सिर्फ फेरी टेल्स में दिखते ये सब चीज़ें, लेकिन वहाँ पर हेल्थ का थोड़ा नीचे हो गया था मेरा क्योंकि मैं खाना बहुत खा रहा था वहाँ पर, तो ऑक्सीजन दिमाग में कम जा रहा था और तबीयत ख़राब हो गई थी। वहाँ खाना नहीं खा सकते 5-6 बजे के बाद शाम को ज़्यादा, या तो यू विल फॉल सिक क्योंकि वो ऑक्सीजन का है कुछ कनेक्शन। तो धीरे धीरे कैरेक्टर में घुसना, वहाँ का रूटीन पकड़ना, ये सब चीज़ें ना बहुत मायने रखती थी क्योंकि या तो ये फिल्म बनती नहीं थी क्योंकि वी हैड टू बी डिसिप्लिन विद आर हेल्थ एंड आर फूड एंड यू नो एवरीथिंग एल्स। एंड ये सब भाई लोग मेरे साथ थे जो सब इतने हेल्थ फ्रीक्स है सब, तो इनके इनको देख कर मैं भी एकदम यू नो थोड़ा जोश में आ गया था। तो ये बोस्ट करने की बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं और सोनू सर बीमार नहीं हुए वहाँ पे। और हाँ ये बीमार नहीं हुआ था लेकिन इसे एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, वो मेकअप के साथ हुआ था। हाँ वो, आ, वो, 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 वो वो अलग है भाई। नहीं वो बीमार नहीं, वो बीमार नहीं क्योंकि 2-3 दिन बोलेंगे यार ये तो नहीं 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 बीमार नहीं। पूरी फिल्म में एक एक मेंबर बीमार पड़ा है सिवाय लव और सोनू सर के, ये एक बार भी इनका विकेट डाउन नहीं हुआ। नहीं 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 उनका उन्होंने बजूका उठाया और बहुत हैवी बजूका था वो, तो इसलिए उनके पीठ को थोड़ी सी मतलब हल्की सी उठ नहीं सके बेड से। हम लोग सब डर गए थे यार कमरे में जाकर, उनका एक वो बजूका जो अभी जो गाना निकला है आज जो एंडिंग का गाना है उसका मैं जिंदा हूँ मैं जिंदा, उसमें वो एक शॉट देखना था सोनू भाई ने ना अपने शोल्डर पे बजूका लिया, रियल बजूका डमी वमी नहीं, और भागे और वो भागे ऑक्सीजन के बिना भागे। माइक तो ले लिया हाँ जो सुनाई दे रहा ना तो मालूम है वो जो वैसे ही जोर से बोलता हूँ बहुत जोर। सो इन अ गुड इट्स गुड जैकी सर भी हैं फिल्म और आज से किस्सा कर रहा है फिल्म में भी उनका बहुत ही अहम रोल था, उनसे कुछ टिप्स मिली थी किस तरह की पैट्रियोटिक फिल्म कर रहे सर? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका क्योंकि वो इकलौते ही लिंक थे बॉर्डर से हम तक ना, क्योंकि ही वॉज द ओनली एक्टर हु हैज़ बिन रिपीटेड फ्रॉम बॉर्डर। तो उनसे टिप्स लेने से पहले मैं आपको सच बताऊं तो मैं तो मेस्मराइज ही था उनको देखकर, वो सारी फिल्में याद आ रही थी जो टीवी पे हम देखते थे उनकी, और एक असली रॉकस्टार की जो इमेज होती है वो मुझे समझ में आई। एंड बहुत बाद में मैं थोड़ा सा उनसे बात कर पाया, शुरू में तो बिकॉज आई वॉज टोटली स्टारस्ट्रक, मैं इतना स्टारस्ट्रक कभी लास्ट कब हुआ था मुझे याद नहीं है, लेकिन उनको देख के ये समझ में आया कि एक अच्छा इंसान स्टार भी हो सकता है और एक स्टार अच्छा इंसान भी हो सकता है। जो हम कई बार एक मिसकंसेप्शन होती है लोगों के बारे में और कहते हैं कि थोड़े एरोगेंट होते हैं स्टार्स और थोड़ा अलग बिहेवियर होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो आम लोगों के साथ घुल मिल के रह सकता है और वो इतना बड़ा स्टार है, वो मैंने उनको देख के सीखा और उम्मीद है कि उनका 1% हम लोगों को सबको मिल जाए बांट के खा लेंगे। सर जितना इनके लिए किया जाए उतना कम है टू बी वेरी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट जो हो सकता है कर रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कहेंगे इट्स कम्प्लीटली टेकन केयर ऑफ, हमेशा एक स्कोप रहेगा कि हम और बेहतर उन सिपाहियों के लिए कर सकते हैं क्योंकि बहुत हार्श कंडीशंस में होते हैं। हम लोग जो कहानियाँ बता रहे हैं 2.5 महीने की, उनकी तो ज़िंदगी बॉर्डर पर बीतती है, हमने तो 2 शॉट दिए थे जहाँ पर 27 डिग्रीज था, उनके तो महीनों वहाँ पर बीतते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पे वो लोग जाते हैं 3-3 महीने के लिए जहाँ पे एक चिड़िया नहीं होती है और जहाँ पे चलने का रास्ता नहीं है, उनको हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया जाता है और हेलीकॉप्टर से पिक किया जाता है 3 महीने बाद। 3 महीने उनके साथ क्या होता है, कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं होता है उनके पास, तो सूखा ड्राई राशन लेके जाते हैं वो लोग और वही बर्फ़ पिघलाते हैं उसी में खाना बनाते हैं और वही खाते हैं। तो मैं तो गुरमीत कहता है ये और सिद्धांत कहता है कि हमारे भगवान की तरह हैं, बिल्कुल सही कहता है क्योंकि ये एक्चुअली हमारे भगवान की तरह हैं जो वहाँ खड़े होकर अपनी जान को हथेली में लिए और हम लोगों को यहाँ पे चैन से हम लोग ये कैमरा लगा के और पोस्टर के सामने खड़े होकर आराम से इसी में बातें कर पा रहे हैं उनकी बदौलत। सो आई थिंक जितना हम उनके बारे में सोचें और करें उतना कम है। देखिए मैं थोड़ा और कुछ कहना चाहूँगा, जैसे हमारे देश में काफ़ी बार आप देखते हैं कि न्यूज़ चैनल या फिर कोई व्यक्ति उनके आर्मी वालों पर उंगली उठाते हैं और बोलते हैं कि मतलब ये बहुत गलत कर रहे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए,
ये सही नहीं था, पर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप वहाँ पे होते तो आप क्या करते? कि आपको लगता है आसान है कि आप कहीं जा रहे हो जहाँ पे दुश्मन आपको घेर चुके हैं, आपको पता है कि दुश्मन कहीं से भी आ सकता है, कहीं पे कहीं से भी आपके ऊपर गोली चला सकता है। जी हाँ, कभी कभी हो सकता है, उनसे भी गलती होती है। हमारे भाई जो फौजी भाई है उनमें से एक दो गलतियाँ करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सब पे उंगली उठाए। यू नो, आई थिंक इट इज़ वेरी रॉन्ग, एंड जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, हम वहाँ पे जाकर खुद नहीं जान पाएंगे उनके लाइफ के साथ उनके लाइफ में क्या होता है, ये बहुत गलत होगा उनको कुछ कहना। बस सब कुछ तो बोल दिया ये लोगों ने, लेकिन मैं एक आखिरी चीज़ बोलना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के वासियों, आप हमारे जो सैनिक हैं उनको हर वक्त बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, उनकी बहुत उनके लिए बहुत अच्छा चाहना, उनके लिए प्रेयर्स बहुत अच्छा करना, और ये प्रे करो कि ज़िंदगी में वॉर कम होए और प्यार ज़्यादा होए। आजकल तो स्त्री का रिस्पॉन्स चल रहा है क्योंकि बहन की फिल्म आज चल रही है, तो आज जैसे ही ख़त्म हो जाए तो कल से हमारा टाइम चालू हो जाएगा घर में। नहीं, सब रुके, ये अमित जेपी साहब की फिल्म है और हम हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। एक कमाल की बात, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन दोनों भाइयों की, दोनों बहनों की फिल्में आई हैं पिछले दो। शाबाश यार, पलटन भी हिट ही है इंशाल्लाह। लेकिन घर पे हाँ सब रुके हैं, पागलपंती सी थोड़ी छाई, मतलब मची हुई है घर पे, ऐसे ये इंटरव्यू के लिए जा रहा है, ये घर पे ये इसकी ये फिटिंग है, इसकी ये वो है, इसका ये वो है, तो ये सब तो चलता रहता है। और मॉम बहुत एक्साइटेड है और डैड भी और मासीज भी, क्योंकि स्पेशल कहानी है पलटन, और चाइनीज़ में मैंने बात किया तो सब रुके कि मैंने क्या बोला है। जैसे हमारा घर ऐसा घर है जहाँ पे बहुत बड़ा है इनका ओपन नहीं, वो घर की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जैसे कि जब मेरे माता पिता को पता चला कि जेपी सर ने मुझे साइन किया है, तो आप सोचिए कि माँ बाप जो रुके अपने बेटे के लिए कि उसको एक अच्छा मौका मिले, एक काम दिखाने का एक मौका मिले, जब ऐसा न्यूज़ उनको मिलता है तो उन पर मन में क्या यू नो खुशी, कितनी खुशी आई होगी। तो वी आर ऑल वेरी हैप्पी, एंड हम सब, मैं शुरुआत से कहता हूँ कि मैं इस फिल्म में डे वन से विश्वास करता हूँ, और जेपी से मैं डे वन से विश्वास करता हूँ, और मेरा परिवार भी यही मानता है कि ये फिल्म काम दिखाएगी और सबके लिए अच्छा करेगी। लास्टली एक साथ क्या कहना चाहते हैं अपने चैनल मेंबर्स और फैंस से, एक साथ क्या कुछ कहना चाहते हैं? यही बोलेंगे हम कि जब मैच के हाईलाइट आते हैं, हाँ, और जब हारे हुए मैच के हाईलाइट आते हैं तो हम चैनल चेंज कर देते हैं, और जब जीते हुए मैच के बारे में नहीं बताया गया आपको तो आपको जानने की बहुत उत्सुकता होती है। उस मैच के हाईलाइट जेपी सर आपको दिखाएंगे 7 सितंबर को, आइए और देखिए कैसे हम लोगों ने छक्के और चौके मारे और चीन को बुरी तरह से झिंझोड़ दिए हैं। तो मैं थोड़ा अगेन थोड़ा सीरियसली बात कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये इतिहास की एक कहानी है, और इसमें आप ये फिल्म में आप देखेंगे कि हमारे सिपाही भाइयों के साथ क्या होता है और क्या हुआ था, एक ऐसी कहानी जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं। तो आई थिंक आपका बहुत कारण है फिल्म देखने के लिए, पर फर्स्ट जेपी सर और उसके बाद ये फिल्म की कहानी और उसके बाद हम सब जो है फिल्म। ये दोनों ने जो बोला ना वही मेरे लिए पलटन एक फिल्म नहीं है, एक इमोशन है, एक कहानी है जो इस दुनिया को बोलना ज़रूरी है। प्लीज़ आकर देखिए 7 सितंबर को। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन जो सैनिक लोग जो सैनिक को सैनिक जो वहाँ पर मेहनत करते हैं उनका तो अलग ही है कुछ, हम लोगों ने छोटा सा किरदार निभाया है उनके लिए, प्लीज़ आकर देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।